हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। भाई साहब संदीप रेड्डी वांगाज एनिमल रोरिंग राइट नाउ, संदीप रेड्डी वांगाज दिस फाइनेस्ट क्रिएशन रोरिंग राइट नाउ एंड टियर अपार्ट द यूट्यूब स्क्रीन। भाई साहब ऐसा वॉयलेंस, इस हद तक का मास, इस हद तक का ब्रुटैलिटी, इस हद तक की वॉयलेंस यार हमने कभी देखी नहीं थी भाई। डेफिनेटली फर्स्ट एक्सपीरियंस है। और ये मूवी जब ये ट्रेलर ही इतना फाड़ कर रहे हैं तो ये मूवी फाड़ने वाली है और डेफिनेटली फाड़ने वाली है। डेफिनेटली टियर अपार्ट द स्क्रीन ऑफ थिएटर्स, डेफिनेटली टियर अपार्ट द बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस। मैंने बोला था ना ज्योति, क्रिमिनल है हमारा बेटा। तो अभी सब चीजों पर बात करेंगे। भाई साहब इस ट्रेलर ने क्या मतलब कितना प्यार कमा लिया है, उसके बाद तीन चार की मोमेंट्स इसके कितने खतरनाक होने वाले हैं, और वाकई में वॉयलेंस के किस हद तक को ये टच करने वाला है, मतलब क्या हाई पोटेंशियल रीच हो सकती है इसकी, भाई सभी चीजों पर एक एक करके बात करेंगे। उससे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को एक लाइक और नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। भाई साहब नो डाउट आपने गैंग्स ऑफ वसीपुर देखी होगी, नो डाउट आपने मिर्जापुर वेब सीरीज देखी होगी, लेकिन जिस हद तक का वॉयलेंस, जिस हद तक का खोल के इसमें दिखाएंगे वो बिल्कुल थर्ड नाम होने वाला है। वसीपुर के साथ, मिर्जापुर के साथ एंड एनिमल थर्ड नाम होने वाला है, जहां पर फर्क नहीं पड़ता आप चाहे ए रेटिंग दो चाहे एडल्ट कॉन्टेंट साबित करो, लेकिन इन्हें जो दिखाना है वो ये दिखाएंगे और फाड़ के दिखाने वाले हैं। डेफिनेटली वॉयलेंस की कोई तो सीमा नहीं होने वाली है इस मूवी में। वॉयलेंस, मास, ब्लड, ब्लडी कॉम्बैट्स इस हद तक मिलने वाला है आपको, देन एक्शन, उसके ऊपर टॉक्सिसिटी, देन उसके बाद ब्रूटैलिटी, सब कुछ खोल के दिखाएंगे। फर्स्ट एक्सपीरियंस होने वाला है। देखो वसीपुर में क्या था कि ठीक है आप देसी अंदाज में वो वायलेंस दिखा रहे हैं, ठीक है, मिर्जापुर में थोड़ा सा लिटिल बिट एडवांसमेंट आ चुका था जिसमें हमें वायलेंस उस अलग लेवल का देखने को मिला था, जो सेकंड न्यू एक्सपीरियंस था। लेकिन जो एनिमल में ना भाई क्लास है, स्टैंडर्ड है, देन उसके बाद जो वायलेंस है, देन उसके बाद जो देसीपना उसके अंदर आएगा, तो वो सब चीज़ें बिल्कुल खोल के मिलने वाली हैं और लॉजिकल मिलने वाली है। ऐसा नहीं कि आपके सामने कोई VFX CGI का इफेक्ट डाल देंगे देन आपको वो चीज शो करेंगे। एक्शन वॉयलेंस का जो रियल मीनिंग है ना भाई, संदीप रेड्डी वांगा ने ये प्रॉमिस भी किया था कि वॉयलेंस का असली मीनिंग क्या होता है इंडियन सिनेमा को औकात बता दूंगा, और ही प्रूव्ड इट, ही लिटरली प्रूव्ड इट कल को कि उसने जो ट्रेलर रिलीज किया है, 3.5 मिनट का ट्रेलर था भाई, गॉड लग रहा था कि ठीक है एक बार के लिए बोर हो जाएंगे, सब कुछ रिवील कर देंगे। टीजर उन्होंने दिखाया था, टीजर में एक अलग एक्सपीरियंस था, टीजर भी लेंथी था, उसमें भी सब कुछ नया देखने को मिला, उसके बाद जब ट्रेलर आया वो भी लेंथी, लेकिन अभी भी ऐसा नहीं है कि पूरी मूवी रिवील कर दी हो, पूरी स्टोरी लाइन रिवील कर दी हो, और एक्साइटमेंट बढ़ गया है कि भाई जब ट्रेलर में इतना कुछ मिलने वाला है तो जो मूवी होने वाली है 3.5 घंटे की उसमें कितना कुछ मिलेगा। ट्रेलर में 3-4 की मोमेंट्स हैं जो बहुत ही खतरनाक हैं। पहले वाले सीन ने भाई दिल लूट लिया था, वहीं से बिक चुके थे। रणबीर कपूर की जो एक्टिंग थी कि सुनाई दे रहा है बहरा नहीं हूं मैं, पापा सुनाई दे रहा है बहरा नहीं हूं मैं, दैट टाइप ऑफ, मतलब अपने बाप से ऐसे कौन बात करता है भाई, और वो भी एक हाई स्टैंडर्ड रिच फैमिली वाला जिसके अंदर मैनर्स की कोई कमी नहीं होगी। वहां जो ब्रूटैलिटी देखने को मिल रही है वो जो सीन है बिल्कुल भाई वो दमदार है भाई। एनिमल मूवी सोच समझ के इसका नाम रखा गया है क्योंकि पूरे कैरेक्टर एनिमल है। रणबीर कपूर इज एनिमल, बॉबी देओल विलेन इज एनिमल, सब कुछ एनिमल होने वाला है। दूसरा वो रश्मिका मंदाना का गला पकड़ना, मतलब इतना सीरियस रॉ मटेरियल यार, ठीक है एक बार के लिए बंदा शायद अपनी फैमिली के अगेंस्ट भी गया था उस प्यार को पाने के लिए, देन उसी के साथ ऐसा ब्रूटल होना, उसी के साथ ऐसा वायलेंट बिहेवियर करना, तो समझ सकते हो भाई साहब इस मूवी में हमें क्या क्या मिलने वाला है। तीसरा वो मशीन गन वाला मोमेंट, ठीक है वो VFX का विजुअल इफेक्ट है, लेकिन भाई इतना अनइमेजिनेबल, अनएक्सेप्टेबल फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा ये इंडियन सिनेमा में जो इस ऐसी चीज मैंने देखी है। चौथा वो यार विलेन बॉबी देओल, भाई वो बंदा रो रहा है, वो सब कुछ मतलब विलेन कौन रोता है यार, वो भी इतना डीपली टच करके, पर्सनली हिट करके, जो एटीट्यूड, जो जेस्चर, जो बॉडी लैंग्वेज उसका दिख रहा है, मतलब वॉयलेंस की दुनिया का वो
मचा हुआ खिलाड़ी नजर आ रहा है, ऐसे प्रूव कर रखा है, ऐसे शो करते नजर आ रहे हैं वांगा साहब। भाई इस बंदे का, ये इस डायरेक्टर के विजन का, इस डायरेक्शन की फैन हो गया मैं, बिल्कुल फैन हो गया। क्योंकि बॉबी देओल को एज विलन उस हद तक का दिखाना, पहले तो रणबीर कपूर को ऐसे इंट्रोड्यूस करना है कि भाई इससे भयंकर और क्या हो सकता है, लेकिन बॉबी देओल को ऐसे इंट्रोड्यूस करना है उससे नेक्स्ट लेवल। दिस इज द अमेजिंग पार्ट ऑफ दैट थिंग कि भाई कॉम्बो विलेन एंड हीरो का बहुत ही प्यारा देखने को मिल रहा है। अभी 17 घंटे गुजर चुके हैं और इस ट्रेलर ने अभी तक 22 मिलियन के आसपास व्यूज गेन कर लिए हैं, जिसमें से लगभग 814,000 प्लस लाइक्स आ चुके हैं। खुद का टीजर जब इनका आया था, उसके लाइफ टाइम कलेक्शन के रिकॉर्ड को ये कुछ ही घंटे में बीट डाउन करने वाला है, जिसका लाइफ टाइम कलेक्शन व्यूज थे 48 मिलियन और लाइक्स थे 1 मिलियन प्लस। आफ्टर दिस ट्रेलर, जब से ट्रेलर रिलीज हुआ है भाई, हैदराबाद में एडवांस बुकिंग में, जहां फ्लेक्सिबिलिटी में एडवांस बुकिंग चल रही थी, बहुत सॉलिड उछाल देखने को मिल रही है। हैदराबाद में आज शाम 5 बजे से बुकिंग ओपन हो जाएगी, नॉट इन अ प्रॉपर वे इन अ फ्लेक्सिबिलिटी, लेकिन जब से ट्रेलर आया है भाई, किसी एक सिटी में सिर्फ 6 घंटे के अंदर 5,000 प्लस टिकट बिक चुके हैं। ऐसा मतलब इस हिसाब का इंपैक्ट है इस ट्रेलर का। वांगा साहब मान गया भाई, हैट्स ऑफ है इस बंदे को, व्हाट अ डायरेक्शन फाड़ के मिलने वाला है भाई। ट्रेलर बहुत धांसू है, मैंने कई बार देख लिया है, आपने देख लिया है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना अपना एक्सपीरियंस, मूवी के लिए कितना एक्साइटमेंट है। अब दूसरा, बॉबी देओल एज विलेन क्या फाड़ने वाला है, रणबीर कपूर एज एनिमल आपको कैसा लग रहा है, फादर लव का ये बॉन्ड कैसा देखने को मिल रहा है, और कितना एक्सपेक्टेशन है इस मूवी से जो 1 दिसंबर को फटने वाली है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता के ना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।